नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एक ऐसी प्राचीन रहस्यमयी कहानी के विषय में जानेंगे जो कि एक साधक राम के विषय में है। वह वाराणसी की गलियों में किस प्रकार भैरवी साधना करके भैरवी को प्राप्त करता है, इस कथा में हम लोग जानेंगे अनसुनी किंवदंतियों और रहस्यमयी कथाओं को। जानने के लिए आइए जानते हैं इस कथा के विषय में। अध्याय एक, भैरवी मंदिर का रहस्य। वाराणसी की गलियों में एक प्राचीन भैरवी मंदिर खड़ा था, जिसके कोनों में काले और चमत्कार शिल्प मौजूद थे। मंदिर का वातावरण गहरे अंधकार से भरा था, जिसमें धीमी धीमी प्रकाश की किरणें घुलती आ रही थी। इस मंदिर में एक गरीब भिखारी राम अपने दैनिक जीवन को व्यतीत करता था। राम का चेहरा गिड़गिड़ाता और क्षीण था, पर उसकी आंखों में एक अस्वाभाविक चमक थी। वह अक्सर अंदर बैठकर मूर्तियों की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता था, हे देवी, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरे जीवन में उद्धार कीजिए। वह हर दिन भगवान भैरव के सामने एक दीप जलाकर उनकी पूजा करता और कभी कभी उनसे गुहार लगाता। एक बारी रहस्यमयी आवाज ने अचानक राम को चौंका दिया। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाले हैं, राम ने आवाज की ओर देखा और वहां एक बेहद सुंदर कन्या खड़ी थी। उसका चेहरा प्रकाशमान और उत्तम था। वह राम के करीब आकर बोली, मेरे नाम के स्थान पर एक गुप्त स्थान पर मैं तुम्हें ले चलूंगी, जहां तुम अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। राम के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह घबरा गया और पूछा, लेकिन मैं कोई विशेष कौशल या संपत्ति तो रखता नहीं हूं, मैं तो केवल एक सड़क का भिखारी हूं, आप मुझे किस प्रकार से सिद्धि दे सकते हैं? माया मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है, जिसे तुम खोज सकते हो। मैं तुम्हें उस गुप्त स्थान पर लेकर जाऊंगी, जहां तुम्हें अपनी सच्ची भक्ति का पता चल सकेगा। तुम तैयार हो? राम थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन माया के आकर्षक चेहरे और उसकी गूढ़वाणी ने उसके कौतूहल की भावना को भड़का दिया। वह उत्सुकतापूर्वक बोला, हाँ, मैं तैयार हूँ, कृपया मुझे उस गुप्त स्थान में लेकर चलिए। माया मुस्कुराई और उसने राम को कहा, हाथ पकड़कर उसे मंदिर से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। वे गलियों के गहरे कोनों से होकर गुजरते जा रहे थे, जहां अंधकार गहरा और चुपचाप था। राम को डर लग रहा था, लेकिन माया शांत उपस्थिति ने उसे धीरे धीरे आश्वस्त किया। अंततः वे एक भयानक और जटिल रास्ते पर जा पहुंचे, जिसके किनारों पर नारायण के एक विशेष पेड़ खड़े थे। स्थान का वातावरण और अधिक रहस्यमयी और उत्तेजक लग रहा था। माया ने राम के हाथ को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ी। हम गुप्त स्थान पर पहुंच गए हैं, माया ने कहा, यहां तुम अपने सभी सवालों के जवाब पाओगे। राम चारों ओर घूमकर देखने लगा। उसे एक भव्य और ढका हुआ सा स्थान नजर आया, जिसकी दीवारें और छत अशुद्ध पत्थरों से बनी थी। एक बड़ा ध्वजा दंड वहां पे था और चारों ओर रहस्यमयी चीजें जड़ी हुई थी। माया ने एक बड़े पत्थर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, यहीं बैठो और शांत हो जाओ, अब तुम्हें मिलने वाला है वह व्यक्ति जो तुम्हारे सभी उत्सुकताओं का जवाब देगा। राम ने उत्सुकता पूर्वक पत्थर पर बैठकर चारों ओर देखना शुरू कर दिया। उसका मन उत्साहित और घबराया हुआ महसूस हो रहा था। वह जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। अध्याय दो, गुप्त स्थान की यात्रा। मायावी कन्या माया ने राम को एक गुप्त स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव किया। राम को अभी परिचय पर अभी संदेह था, लेकिन उसका कुत्सित जीवन उस घटना के लिए प्यासा था। माया मंदिर के बाहर निकलकर एक डरावनी सुरंग की ओर इशारा किया। सुरंग के अंधेरे में प्रवेश करते हुए राम की धड़कनें तेज हो गईं। तीव्र भय और उत्सुकता की मिश्रित भावना उसके भीतर घिर रही थी। यह गुप्त रास्ता है जिसे केवल कुछ ही लोग जानते हैं, माया ने कहा, यहाँ पर हम किसी भी बाधा में
आ सकते हैं। राम को लगा उसके पीछे कुछ शब्द या कदम सुनाई दे रहे हैं, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। वह चुपचाप माया के पीछे चलता रहा। उसके मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण होता जा रहा था। सुरंग लंबी और दुर्गम थी, कहीं कहीं पर टूटे पत्थर और सड़ी लकड़ियों से रास्ता बंद था और उन्हें सावधानी से वो हटाती भी जा रही थी। राम को सुरक्षित रास्ता दिखा रही थी। बार बार राम को लग रहा था कि वह कुछ अस्पष्ट आवाज़ों या हलचलों को सुन रहा है, लेकिन माया उसे आश्वस्त किया कि वह सुरक्षित है। धीरे धीरे सुरंग का अंधेरा और डरावना वातावरण राम के मन में भय और चिंता पैदा करने लगा। वह अपने आप से पूछ रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आया या कहाँ ले जा रही है, लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अचानक सुरंग के अंत में एक प्रकाश दिखाई दिया। माया ने कहा, आ गए हम, यही है गुप्त स्थान। राम ने आगे बढ़कर प्रकाश की ओर देखा और उसकी आंखों को विस्मय से चौंका दिया। जो कुछ मिला एक अद्भुत और रहस्यमय स्थल था। यह सुंदर और पुराने वृक्षों से घिरा हुआ एक छोटा सा उपवन था, जिसके बीच में एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। इस हवेली के चारों ओर एक सुंदर झील और उसके पार पहाड़ी देखने को मिली। यह सब कुछ एक अपूर्व प्राकृतिक दृश्य था जो राम ने कभी भी नहीं देखा। उसकी आंखों से चमक आ गई और वह इस अद्भुत दृश्य में खो गया। स्वागत है आपका गुप्त स्थान पर, माया ने कहा। यह हमारा सुरक्षित और पवित्र आश्रय है, जहां आप बाबा अघोर से मिल पाएंगे। राम अभी भी उस दृश्य के बारे में ही सोच रहा था और आपसे पूछ रहा था, यह कैसा जादुई स्थान है? क्या यह सच है या मेरी कल्पना? माया हल्के हंसते हुए बोली, यह अब वास्तविक है। राम अब आइए, बाबा अघोर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। राम ने माया का हाथ पकड़कर उसे हवेली को और ले जाना शुरू कर दिया। राम अभी भी हैरान था और उसके मन में भरपूर उत्सुकता इस रहस्यमय स्थल और उसके आगामी विकासों के बारे में जानने के लिए बेताब था। अध्याय 3, तांत्रिक विद्या का आरंभ। मायावी माया के साथ गुप्त स्थान पर पहुंचकर राम का दिल घबरा रहा था। वह किसी अनजानी शक्ति के चंगुल में फंस गया था। अचानक एक अजीब महिमा में वृद्ध व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। स्वागत है, बाबा अघोर ने उनका स्वागत किया, अपने गंभीर चेहरे पर एक रहस्यमय स्माइल लिए हुए। मैं आपका इंतजार कर रहा था। राम क्षण भर के लिए फिर चौंक गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह व्यक्ति कैसे उनका नाम जानता है। बाबा अघोर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की ओर ले जाया। आपने मुझे यहाँ क्यों लाए हैं महाराज? राम ने संभावित खतरे का अनुमान लगाया और पूछा। हमारे पास बहुत कुछ है जो आप जानने के लायक हैं, राम, बाबा अघोर ने गहरी आवाज में कहा। मैं आपको तांत्रिक विद्या के रहस्यों से परिचित करवाऊंगा। राम ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने बाबा के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया था। वे एक अंधेरी और रहस्यमय गुफा में प्रवेश कर गए। राम का दिल धड़क रहा था। सामने एक विचित्र वेदी थी जिस पर कई प्रतीतात्मक चिन्ह और प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। कमरे में जलती हुई स्वदर्शनी मोमबत्तियां और धुआंधार रोशनी थी। बाबा अघोर ने गुफा में बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठिए राम, हम आज आपकी आध्यात्मिक साधना का प्रारंभ करेंगे। राम ने कुछ भी नहीं कहा और बाबा को आदेश को पालन करते हुए गुफा में बैठ गया। बाबा ने उसके सामने एक प्राचीन पुस्तक रखी और कहा, यह एक तंत्र विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ, इसमें तुम्हें अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन मिलेगा। राम ने पुस्तक का सावधानी पूर्वक उठाया और उसके पन्नों को टटोलना शुरू कर दिया। उसे अलौकिक शक्तियों और मंत्रों से भरी इस पुस्तक के पन्नों पर बहुत ही उत्साहित हो कि क्या यह वास्तव में संभव है, इन तांत्रिक शक्तियों को वो प्राप्त कर सकता है। राम ने संदेह से पूछा। बाबा अघोर ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से राम, अब मैं इन शक्तियों के बीज मौजूद हूँ, लेकिन तुम्हें जगाने के लिए, विकसित करने के लिए इन शक्तियों
के लिए उन्हें एक पुरानी मुद्रा में बैठकर राम को तांत्रिक विद्या के मूलभूत मंत्रों और तकनीकों को सिखाना उन्होंने आरंभ कर दिया। राम गहन ध्यान में डूब गया, प्राचीन मंत्रों को बार बार दोहराते हुए। कुछ घंटों के बाद बाबा अघोर ने कहा, अब राम आपको अपने भीतर की शक्तियों को जगाने का प्रयास करना होगा। उन्होंने राम को एक प्राचीन मुद्रा में बैठने का निर्देश दिया और उसके सामने एक छोटी मूर्ति रखी। इस मूर्ति पर ध्यान करके अपनी शक्ति को जागृत करने आप इसमें भैरव देवता का दर्शन पा सकते हैं। राम ने मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि मूर्ति धीरे धीरे जीवंत होने लगी है। एक अजीब ऊर्जा उसके अंदर उमड़ने लगी। वह चौंक गया, लेकिन बाबा ने उसे प्रोत्साहित किया। अच्छा राम, आप अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा रहे हैं, अब आप तंत्र विद्या के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। बाबा ने उसे एक विशेष यंत्र दिया और कहा, इस यंत्र का उपयोग करके आप भूत प्रेतों को आकर्षित और नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहना क्योंकि ये अशुद्ध शक्तियाँ खतरनाक भी हो सकती हैं। राम ने उत्साह के साथ यंत्र को अपने हाथों में ले लिया। वह जानता था कि अब उसकी असाधारण यात्रा का यह अगला कदम था, चुड़ैलों का आक्रमण। राम की साधना के दौरान उसे परखने के लिए बहुत सारी चुड़ैलें उसे सताने लगती हैं। वे उसके शरीर के साथ खेलती हैं और खिलवाड़ करती हैं, लेकिन राम सबको परास्त कर देता है क्योंकि उसका धैर्य और साधना में पूरी तरह लगा हुआ होता है। अपने ज्ञान के द्वारा त्रिनेत्र में आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए इस कठिन परीक्षा को पास करके आगे बढ़ जाता है और समस्त चुड़ैलों को हरा देता है। सारी चुड़ैलें हार जाती हैं। अध्याय 5, अंतिम परीक्षा। राम की आध्यात्मिक यात्रा अब आखिरी दौर पर पहुंच चुकी थी। बाबा अघोर ने उसे कहा था कि अब उसे अपने अंदर की सबसे गहरी और डरावनी परीक्षा का सामना करना होगा, जिसमें वो अपने भय और कमजोरियों से सीधा लड़ना होगा। राम को एक बार फिर अंधेरे और रहस्यमय गुप्त स्थान में ले जाया गया। वहां वह अकेला था, केवल अपने मन की आवाज़ों के साथ। वह जानता था कि अब उसकी सिद्धि प्राप्त करने का समय आ गया है, लेकिन उसके मन में एक डर था कि वह इस परीक्षा माया ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, राम तुम इतने दूर आए हो, अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं जानती हूँ तुम इसे पार कर लोगे। तुम्हारे अंदर अटूट शक्ति है जिसका तुमने अभी पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। राम ने माया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास था। यह जानकर कि माया उसके साथ है, राम का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह बाबा अघोर के आदेश का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में बाबा अघोर वहां आ पहुंचे। उन्होंने राम को घेर लिया और कहा, राम अब तुम्हारा सबसे कठिन परीक्षण होने वाला है। तुम्हारे अंदर छिपे हुए भय और कमजोरियों से सीधा सामना करना होगा। यह एक अंतर्मुखी यात्रा होगी जहाँ तुम्हें खुद से लड़ना होगा। राम ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा मैं तैयार हूँ, मैं इस परीक्षा में कामयाब होकर अपनी सिद्धि प्राप्त करूँगा। बाबा अघोर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो प्रारंभ करते हैं। तभी चारों ओर अंधकार छा गया। राम को लगा कि वह किसी गहरे गड्ढे में गिर गया है। उसके चारों ओर भयंकर आवाजें आने लगी, चीखें, गर्जन, दहाड़ें। वह डर गया लेकिन अपनी हिम्मत नहीं खोया। अचानक उसके सामने एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसके शरीर पर रक्त की धाराएं बह रही थी, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। राम को लगा यह उसकी सबसे भयानक कल्पना है जो सच हो गई है। राक्षस ने गर्जना करते हुए, राम तू मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकता, मैं तुझे इसी क्षण नष्ट कर दूंगा। राम एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, नहीं मैं तुझे हरा दूंगा, मेरे अंदर शक्ति है जिसे तू नहीं जानता। राक्षस हंसने लगा और कहा, तो फिर इस शक्ति का प्रदर्शन कर वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। राम ने अपने शरीर में छिपी शक्ति को जगाया और अपने हाथों में एक प्रचंड तेजस्वी बल को
जमा करना शुरू किया। राक्षस हैरान होकर देखने लगा। राम ने उस बल को एकत्रित करके राक्षस पर छोड़ दिया। एक भयंकर विस्फोट हुआ और राक्षस चीखता हुआ गायब हो गया। राम हैरान था कि उसने अपनी इतनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने जानने की कोशिश की कि यह शक्ति आखिर आई कहां से, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। तभी माया का स्वर सुनाई दिया, राम तुमने यह कर दिखाया। मैं जानती थी कि तुम्हारे अंदर से शक्तियां छिपी हुई हैं। अब तुम्हें बाकी की परीक्षाओं का भी सामना करना है। बाबा अघोर भी प्रकट हुए और कहा, राम तुमने अपनी प्रथम परीक्षा पास कर ली है। तुम अपनी अंतिम परीक्षा होगी जिसमें तुम्हें अपने अंदर छिपे सभी भय और कमजोरियों से मुक्त होना होगा। यदि तुम इसमें कामयाब होते हो तो तुम्हें सिद्धि पूरी हो जाती है। राम ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। मैं इस परीक्षा में कामयाब होकर के अपने आध्यात्मिक सफर को पूरा करूँगा। बाबा अघोर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो आराम करते हैं। फिर एक बार अंधेरा छा गया और राम अपने अंदर की यात्रा पर निकल पड़ा। भैरवी देवी का प्रकटीकरण, एक अंबर। रेखा के साथ हुआ, मानो आसमान से कोई रोशनी उतर आई हो। राम चकित था, उसके शरीर में कुछ अलग सा अनुभव होने लगा। वह महसूस कर रहा था कि उसके अंदर की शक्तियां जाग उठी हैं। अचानक उसके साथ कुछ अनोखा हो रहा था। भैरवी देवी ने अपने अस्त्र आंखों से राम के सिर पर एक वरमाला डाल दी। वह उदार भाव से मुस्कुराई और बोली, तुम मेरे भैरव हो, तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम पर है। राम की आंखों से आंसू आ गए। वह इस क्षण के लिए तैयार नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी देवी का भैरव बन जाएगा। उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। माया ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, देखो राम, अब तुम महाशक्तिशाली हो। भैरवी माँ ने तुम्हें अपना भैरव चुना है। तुम्हारी सिद्धि को उन्होंने स्वीकार किया है। अब तुम्हारे पास अपराजेय शक्तियां हैं। भविष्य में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाबा अघोर ने भी उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, राम तुमने महान कर्मों का सफल पूर्णन किया है। तुम्हारे पास सिद्धि और भगवत ज्ञान है। तुम मेरी शक्तियों का वारिस भी हो। मुझे विश्वास है कि तुम सत्य, न्याय और मानवता के लिए इन शक्तियों का उपयोग करोगे। राम सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर उथल पुथल मच गई थी। उसने कहा, मुझे यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक साधारण भिखारी था, लेकिन अब मैं इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या मेरा जीवन बदल जाएगा? माया ने उसका हाथ थाम कर कहा, राम यह तुम्हारा नया जन्म है। अब तुम भैरव हो, जो सृष्टि का रक्षक और कल्याणकारी देवता है। तुम्हारा जीवन बेहद पवित्र और महान हो जाएगा। तुम इन शक्तियों का उपयोग धर्म और न्याय के लिए करोगे। बाबा अघोर ने कहा, राम अब तुम्हारा जीवन निरंतर आध्यात्मिक साधना और उद्धार का होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पूर्ण उपयोग करना होगा। तुम्हारा कर्तव्य होगा कि तुम संसार में शांति, प्रेम और न्याय का संदेश फैलाओ। राम सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने कहा, मैं एक साधारण भिखारी था, लेकिन अब मैं भैरव बन गया हूँ। मैं खुद इस नए रूप से चकित हूँ। मुझसे यह सब कुछ कैसे होगा? माया ने उसका हाथ थाम कर कहा, राम अब तुम्हारे पास अपराजेय शक्तियाँ हैं। तुम्हारा कर्तव्य होगा कि तुम इन शक्तियों का सदुपयोग करो। तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना, उन्हें संतुलित करना होगा। यही तुम्हारा अगला आध्यात्मिक यज्ञ होगा। बाबा अघोर ने कहा, राम अब तुम महासुंदर कन्या माया के साथ एक नई यात्रा पर निकल रहे हो। तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को समझना और संतुलित करना होगा। संसार की शांति और प्रेम का संदेश देना तुम्हारा कर्तव्य होगा। राम को अब समझ में आने लगा कि उसका जीवन बिल्कुल बदल गया है। वह एक साधारण भिखारी से महाशक्तिशाली भैरव बन गया है। उसके अंदर की शक्तियों का जागरण हो गया है। अब उसे अपने अंदर की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना था।
माया ने उसे गले लगाते हुए कहा, राम अब तुम मेरे साथ हो, हम एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं, हम संसार में शांति और प्रेम का संदेश फैलाएंगे, तुम्हारी शक्तियों का सदुपयोग करके हम लोगों का उद्धार करेंगे। माया ने राम के साथ, उसका हृदय आनंद से फिर भर उठा, वह एक नई उम्मीद और संकल्प के साथ आगे बढ़ने लगा। अब उसके पास अपराजेय शक्तियां थीं और वह उनका उपयोग धर्म और न्याय के लिए करेगा। इस प्रकार राम एक साधारण भिखारी से महाभैरव बनने का सफर पूर्ण कर गया था। उसने तांत्रिक विद्या और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अपनी शक्तियों को प्राप्त किया था। अब वह एक नई यात्रा पर था जिसका उद्देश्य था संसार में शांति, प्रेम और न्याय का संदेश फैलाना। यदि यह कहानी राम की और भैरव की शक्ति की विषय में, अगर यह प्राचीन और रोचक कहानी आपको पसंद आई है तो धर्म रहस्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की अन्य कहानियों के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।